नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पंचायत सचिव और LDC के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में बताएंगे और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन कैंडिडेट्स के लिए जो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे पंचायत सचिव और LDC के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं लास्ट में कुछ आपको पंचायत सचिव के टाइपिंग के रिलेटेड कुछ टिप्स दे दूंगा या फिर कुछ जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुआ है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। GCC के ऑफिसर से जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि GCC का जो IRB का रिजल्ट है वो जल्द ही अपलोड होने वाला है। मीन्स आपको जो IRB का जो रिजल्ट है वो 4-5 दिन के अंदर आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो IRB का रिजल्ट जैसे ही अपलोड होगा उसके कुछ दिन के बाद ही, यानी within 3 to 4 days आपका पंचायत सेक्रेटरी का भी जो फाइनल लिस्ट होगा, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट भी जारी हो जाएगा। यानी आप इतना कंफर्म रखिए कि जो आपका पंचायत सेक्रेटरी और LDC का जो रिजल्ट है, मीन्स फाइनल जो लिस्ट बनेगा, फाइनल लिस्ट नहीं बोल सकते हैं, जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो लिस्ट बनेगा वो आपका 26 से पहले आपको सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये इतना दिन हुआ क्यों? इतना दिन इसलिए हुआ कि उन्होंने पंचायत सेक्रेटरी का जो टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर आपका स्किल टेस्ट होगा जो भी, उसके लिए उन्हें सिस्टम का अरेंजमेंट करना था, इसी कारण से इतना लेट हुआ। ठीक है, ऐसा JCC ऑफिसर ने बताया। तो आप होप कीजिए कि जो इसका जो जो फाइनल लिस्ट है, जो फाइनल लिस्ट बोले वो आपका 26 से पहले आ जाएगा और आपके पास काफ़ी कम टाइम मिलेगा। तो मैं सभी पंचायत सेक्रेटरी के विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना जो स्किल टेस्ट का जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ा दें, अपना प्रैक्टिस करने का स्पीड बढ़ा दें ताकि उन्हें वहाँ पे जाके दिक्कत ना हो, क्योंकि काफ़ी कम टाइम मिलने वाला है आपको ये रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपना प्रैक्टिस में थोड़ा स्पीड लाइए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि वहाँ पर आपको गलती ना हो। अब बात कर लें कि इसमें कुछ कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत सारे कन्फ्यूजन था कि बैक स्पेस यूज होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए बैक स्पेस जनरली आपको 1 word के लिए मिलता है। यानी अगर आपने यदि आपने कुछ वर्ड टाइप किया जैसे कि पंचायत लिखा है आपने, तो अब जैसे ही स्पेस दे दोगे उसके बाद आप बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पंचायत में त में ही आप रुके हुए हैं और आपका हो सकता है यहाँ द लिखा गया हो, तो आप बैक स्पेस जाके इसको द को हटा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ था जो मैं चाहता था कि शेयर करूँ उनके साथ, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो आपको एक टाइम यूज कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आप स्पेस देने के बाद आप यूज करोगे। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ये है कोतिदेव 010 में जो फॉन्ट में 010 फॉन्ट में आपका जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको 10 मिनट में 250 वर्ड शब्दों का टाइप करना होगा, जिसमें आपको 2% से ज़्यादा एरर 2% से ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना एरर आपका मान्य होगा, उसके बाद का एरर आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो अब और कन्फ्यूजन क्या है कि ये टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर में होगा या फिर MS Word या किसी में होगा, तो ये इतना जान लो कि जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें सॉफ्टवेयर में ही मेनली एग्ज़ाम होता है, इसलिए चांसेस है 90% कि आपका वो सॉफ्टवेयर में ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंचायत सेक्रेटरी की। तो पंचायत सेक्रेटरी का इतना जान लो कि मैं जो बोल रहा हूँ आप ये सुन लो, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बताया था कि आपका फाइनल आंसर की जनवरी में आ जाएगा, तो बहुतों ने बोला था कि आप गलत न्यूज़ बता रहे हो, लेकिन देखो आया ना 1 जनवरी को। जब मैं ये बता रहा हूँ तो ये भी चांसेस रखो कि आने का, क्योंकि मैं गलत न्यूज़ नहीं बताऊँगा। अगर कोई न्यूज़ मुझे लगता है कि सही है तभी मैं आपके पास लेके आता हूँ। तो देख लीजिएगा आप पंचायत सेक्रेटरी के लिए क्या मैं बताने जा रहा था। हाँ, तो पंचायत सेक्रेटरी में जो आपका जो टेस्ट होगा, ये याद रखिए ये हिंदी में भी हो सकता है। कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए आप हिंदी से अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि जितना भी झारखंड में जो भी आपका ऑफिशियल काम होता है प्रखंड स्तर पे या फिर ब्लॉक स्तर पे,
अभी कहीं भी सारा जो काम होता है वो आपका हिंदी लैंग्वेज में ही होता है, आप कहीं नहीं देखोगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का वहाँ यूज होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मेरा अनुसार है वो हिंदी में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर इंग्लिश में हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है, तब तो काफ़ी स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदेमंद रह जाएगा, लेकिन अगर हिंदी में होती है तो बहुत सारे बच्चे स्पेन में फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हिंदी फंड में प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप हिंदी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसमें आपको कोई एरर का ये नहीं इशू नहीं है। आप हिंदी में थोड़ा बहुत भी टाइप जानते हो, टाइपिंग करना तो आप आराम से टाइप कर लोगे, क्योंकि आपको जो थोड़ा पैराग्राफ लिखना है उसी में दिक्कत होगा, क्योंकि बाकी जो आपको MS वर्ड में पावर पॉइंट में बनाना है उसमें तो दो तीन वर्ड लिखना ही है, वो तो आप आराम से लिख सकते हो। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप हिंदी टाइपिंग थोड़ा बहुत सीख लो, ये आपके फ़ायदा रहेगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में आपको धोखा मिल सकता है। तो यही था इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको इससे अलावा कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कट ऑफ का वीडियो तो वो भी बताइए, मैं कट ऑफ का वीडियो भी लेके आऊँगा, क्योंकि काफ़ी मेरे पास रॉ डाटा आ चुके हैं, उसको एक्यूमुलेट करके मैं जो बता सकता हूँ। इसलिए अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं कट ऑफ का वीडियो भी लेके आऊँगा। हाँ, और IRB के कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उन्हें ज़रूर बता दीजिए, IRB का जो रिज़ल्ट है 4 से 5 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है? तो ये बता दीजिएगा उनको कि उनका रिज़ल्ट आने वाला है, वो तैयार रहे, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।